ग्राम का बन जाता है एंड ब्रेन इज अ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन. सो कोई तो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती होगी. और छह महीने के बच्चे को क्या समझता है? कुछ नहीं समझता. लेकिन हर वो इंफॉर्मेशन जो उसके सराउंडिंग में होती है वो कैप्चर करे जाता है और ब्रेन में स्टोर करके रख देता है. इसी को किसी साइकोलॉजिस्ट ने सबकॉन्शियस कहा है, अनकॉन्शियस कहा है, वॉट एवर द नेम इज, इट इज नॉनसेंस इंफॉर्मेशन विच वी स्टोर्ड इन द ब्रेन. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. मैं बहुत साइंटिफिक आस्पेक्ट को लेके इस विषय को आपको समझाना चाहता हूं. नाम अलग अलग है बट मैं इसे डिफरेंट नहीं समझता. वॉट वी कॉल इट एज सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इज नथिंग बट द नॉनसेंस इंफॉर्मेशन इन आवर ब्रेन. दूसरी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो होती है ब्रेन में वो हम चाइल्डहुड में एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल थिंकिंग. एट द टाइम हम एक से अनेक बातों पर सोचते हैं. हम नहीं मतलब हमारा बच्चा या हमारा बचपन में जब जो भी एज होगा, जो 3 साल से लेके 10 साल तक एक से अनेक बातों पर हम सोचते रहते हैं कंटिन्यूअसली. हम मतलब वो बच्चे और वो सब स्टोर हो जाते हैं, दैट इज मल्टीपल थिंकिंग. फिर एक साल के लिए हम एब्सोल्यूट थिंकिंग में रहते हैं. वो एडोलेसेंस जो होता है 14-15 साल, 13-14 साल अभी चाहिए नहीं तो कभी नहीं चाहिए. आपने ये बिहेवियर को ऑब्जर्व किया होगा अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में. 14-15 साल में आज शाम को हमें पिज्जा हट जाना है, अगर आपने पिज्जा हट नहीं लेके गया ना तो हम इसके बाद कभी पिज्जा हट आपके साथ नहीं जाएंगे पापा. वो नहीं देखता पापा के जेब में पैसे है कि नहीं है, पापा को कितना इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं है, लेकिन वो ये जिद करता है. इसे कहते हैं एब्सोल्यूट और बाइपोलर थिंकिंग. ये पास हो जाती है और उसके बाद जो रियल हमारी जरूरत होती है उसे कहते हैं रैशनल थिंकिंग. वी एक्वायर रैशनल थिंकिंग. इन द रैशनल थिंकिंग खास तौर पे हमारे लेट एडोलेसेंस यानी कि हमारे उम्र के 15-16 साल से 20 साल तक हम स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं. एक स्टेप, दो स्टेप और तीसरा स्टेप. तीसरे स्टेप में हमें परिणाम समझ में आता. पहली स्टेप में क्या हुआ, दूसरी स्टेप में क्या हुआ और तीसरे स्टेप में परिणाम. तो हम उस परिणाम को स्टोर कर लेते हैं हमारे दिमाग में, जिसे मैं रैशनल थिंकिंग कहता हूं. एंड रैशनल थिंकिंग इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइफ. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने एक रिसर्च पढ़ा था उसमें लिखा था यूरोप में और यूएस में ओनली 29% टॉप ग्रेजुएट एक्वायर्स द रैशनल थिंकिंग, बाकी के नहीं कर पाते नेचुरली. देन इसके बाद जो आता है वो रियल थिंकिंग. रियल थिंकिंग हार्डली 5-10% पीपल एक्वायर. दे अंडरस्टैंड द रियलिटीज ऑफ लाइफ. दे अंडरस्टैंड द डेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी ऑफ लाइफ. जिसको ये समझ में आएगा वो कभी नीरव मोदी जैसा फ्रॉड नहीं करेगा. जिस भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिस भी बिजनेसमैन को ये समझ में आएगा वो फ्रॉड करने से ही डरेगा. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. अनफॉर्चुनेटली मैंने जितने बिजनेसमैन देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द डेथ इज द एंड ऑफ द लाइफ. वो पैसे के पीछे बहुत भागते हैं. जरूरी नहीं कि बिजनेसमैन ही पैसे के पीछे भागते हैं. बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वो इतना जमा कर लेते हैं कब उनके यहाँ CBI या ED वाले आ जाते हैं या कब उनके यहाँ इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं और सब लेके जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनको. दे डोंट अंडरस्टैंड डेथ इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. तूने नहीं समझता, इसीलिए दे एक्वायर सो मेनी. ऐसे 5-6 थिंकिंग से हम जाते हैं. हमारा पूरा लाइफ जो है ये 5-6 इंपॉर्टेंट थिंकिंग से पास होता है. मैं आता हूं रीजनिंग पर, कॉग्निशन का जो दूसरा पार्ट है. रीजनिंग में भी मैं 3-4 रीजनिंग, 12 प्रकार की रीजनिंग होती है, मैं 3-4 रीजनिंग आपको समझाता हूं. एक होती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में उस व्यक्ति में वो क्षमता होती है कि वो दो ऐसे चीजों को समझता है जिसका कोई महत्व नहीं होता और तीसरी चीज को इजाद कर लेता है, इन्वेंट कर लेता है.
that is called as understanding of novelty and higher level of creativity. ये बच्चे में होना बहुत जरूरी है. एक है inductive reasoning. इसमें हम कोई कारण को या कोई thought को induct करते हैं और नतीजे पे पहुंचते हैं. इस inductive reasoning. तीसरी होती है deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग में हम तीन चार सच्चाइयों को समझते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से जो होती है वो चूज करते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल मैं स्टूडेंट को देता हूँ. भी बारहवीं पास होने के बाद कहाँ जाना है, इंजीनियरिंग को, मेडिसिन को, साइंस को, आर्ट को या कॉमर्स को. पांच ऑप्शन होती है. आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं तो चार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. You lost the opportunity to enter into a four and one you choose. एक को हम चुनते हैं और चार को हम उस पर छोड़ देते हैं. That is called as deduction. That is deductive reasoning. इसके अलावा भी critical reasoning, observation, general reasoning, ऐसे बहुत सारे reasoning के प्रकार हैं. मैं उसके detail में नहीं जाना चाहता. Theoretical part को मैं यहाँ eliminate करता हूँ. But cognition is nothing but the thinking and reasoning in life, which we acquire with the growth of the brain. Which we acquire with the growth of the brain, and it is genetically governed. सबसे important क्या है? ये genetic है. Genes से हमारे पास में आते. अब मेरा अगला सवाल है, is it possible to learn emotional competence? क्या हम इमोशनल कॉम्पिटेंस को सीख सकते हैं? इसका जवाब मैं आगे के इसमें दूंगा. व्हाट एक्सटेंट ई आई फैक्टर्स आर डिसिमिलर फ्रॉम आई क्यू फैक्टर्स. इमोशनल इंटेलिजेंस के जो फैक्टर है वो आई क्यू से अलग कैसे. मैंने आपसे जो कहा ना, थिंकिंग और रीजनिंग के जितने भी प्रकार मैंने बताए ये सब आई क्यू के फैक्टर. EI के जो फैक्टर्स है ये हम आगे में डिस्कस करेंगे. व्हाट पार्ट ऑफ EI फैक्टर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू IQ फैक्टर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आज के डिस्कशन का. कि कौन सा ऐसा भाग है जो इमोशनल इंटेलिजेंस में और जनरल इंटेलिजेंस में कॉमन है, वो मैं एक पिक्चर से आपको समझाऊंगा. And that is actually transmission of sensory information from thalamus. How it happens? Scientifically, transmission of a sensory information from thalamus. How it happens? That will give the answer of this question. What is common in EI and IQ? Is it correct to say that factor of EI are our abilities? Yes, it is correct. EI are also abilities. EI are not simply competencies, because many people, even by putting lot of input, can't learn emotional, they can't attain a certain level of emotional intelligence. That's why I call it as, yes, it is abilities. Does emotional intelligence really contribute to the effective performance of at the job we do? The answer is yes. Do we really differ in our capacity to recognize emotions of ourselves and emotions of others? Again, the answer is yes. So, a lot of questions came in my mind. I wrote it and then I have tried to explain it. I will proceed further. Before that, I want to ask a simple question. Kya main aapko jo bata raha hu, main janta hu garmi bahut hai. Samajh rahe hain? Yes, समझ रहा है? Yes, भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, अब मैंने इसके आधार पर एक हाइपोथेसिस बनाया कि क्या होता होगा हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित होने के लिए. तो मैंने साइकोलॉजी में पांच हमारी जरूरतें, नीड्स, जिसे हम बेसिक एंड बायोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, ये थ्योरी में ढूंढ के निकाली. और वो कौन सी नीड्स हैं? हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप एंड सर्वाइवल.
These are our basic needs. And the beauty of this basic need is, once it is satisfied, the tension is reduced. Whatever tension is generated, or if it is not satisfied, tension is generated in your brain. If it is not satisfied, khana nahi mila, to aapko tension aayega. Mil gaya, bhook samapt ho gayi, aapka tension kam ho jayega. This is the beauty of this biological needs. इसको ध्यान में रखना, आगे मैं इसको रेफर करूंगा. Then I have searched for you another component which I called as psychological functions, or which I called it as stimulus motives. The word stimulus motive is referred in book. I am calling it as psychological functions. और ये भी पांच है. Curiosity, जिज्ञासा, manipulation, जोड़-तोड़ करना, और ये बहुत सारे बिजनेसमैन के बिहेवियर का हिस्सा होते हैं. एक्शन पोटेंशियल, कार्यक्षमता, एफिलिएशन, संबंध और एसोसिएशन, संगत. मैंने जानबूझ के इसे हिंदी में लिखा है ताकि समझने में तकलीफ ना. अब ये पांचों फंक्शन की ब्यूटी क्या है? ये पांचों साइकोलॉजिकल फंक्शन प्रोड्यूस होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं हमारे अंदर में. एंड हायर विल बी द लेवल वी मेक अटेम्प्ट टू सैटिस्फाई इट. इट इज इट आर अ स्टिमुलेंट. इट स्टिमुलेट टू द एक्सटेंट ऑफ जनरेटिंग सर्टन बिहेवियर. अगर ये स्टिमुलेट नहीं हुए तो हम बिहेव नहीं कर पाएंगे. मजे की बात ये है कि जितना इनका स्टिमुलेशन ज्यादा होता है, हमारा टेंशन बढ़ते जाता है. इट फंक्शंस अपोजिट ऑफ अ बायोलॉजिकल नीड्स. जितना इनका स्टिमुलेशन ज्यादा होता है, हमारा टेंशन बढ़ते जाता है. मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बिजनेसमैन जो 10 बिजनेस करता है, 10 बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, वो ज्यादा क्यूरियस होता है उस बिजनेसमैन से जो एक बिजनेस है. मैं इस प्रकार से इसे समझाना चाहूंगा, क्योंकि उसे 10 बिजनेस की क्यूरियोसिटी होती है. इस बिजनेस में क्या हुआ, उस बिजनेस में क्या हुआ, वहां क्या हुआ. मैनिपुलेशन, जितने अधिक वो बिजनेस करेगा उतना जोड़ तोड़ करेगा, उतना उसका मैनिपुलेशन का लेवल ज्यादा रहेगा. नौकरी करने वाला मैनिपुलेट करता है क्या? नहीं करता. कुछ हद तक, डेफिनेटली कुछ हद तक, बट उसकी सीमा रहती है कायदे के अंतर्गत, कायदे के बाहर नहीं. उसके अंतर्गत जो होता है उतना ही करता है, उसके आगे नहीं करता. बिजनेसमैन कायदे से आगे के मैनिपुलेशन करता है, मॉरल्स वैल्यूज के आगे के भी मैनिपुलेशन करता है. ब्यूरोक्रेट्स भी मॉरल्स वैल्यूज को तोड़ते हैं, बट कई बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट के लिए कायदा तोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, बल्कि प्रॉफिट वहीं से आता, यही उनकी समझ होती है. सो मैनिपुलेशन, क्यूरियोसिटी द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन, एक्शन पोटेंशियल. कुछ लोग बहुत बातूनी होते हैं, बहुत वैचारिक लेवल पर डिस्कशन करते हैं हमारे जैसे, बहुत विचार रखते हैं. हमारे जैसे मतलब मैं उसमें नहीं हूं, क्योंकि अगर आप मेरा बायोडाटा देखेंगे तो मैंने बिजनेस से लेके नौकरी से लेके तो सब किया है लाइफ में. बिजनेस भी कर लिया, कंसल्टेंसी भी कर ली, नौकरी भी कर ली, और अब खुद का इंस्टीट्यूट भी चला. लेकिन जो प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं, बड़े वैचारिक होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं ला पाते, उसको रियलिटी में नहीं उतार पाते. तो अधिकतर सोसाइटी में होता क्या है, लोग उनके विचारों को सुनते हैं और भूल जाते हैं. एफिलिएशन, संबंध और एसोसिएशन, संगत. संबंध और संगत में दो वर्ड में आप इसका डिफरेंस तो ढूंढ लीजिएगा. अगेन दीज आर टू इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फंक्शन. अगर हम किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से एसोसिएट नहीं है, एसोसिएशन नहीं बनाते, तो कभी भी हमारा नुकसान कर सकता है. ये भावना बिजनेसमैन के मन में,
वैसे ही संबंध बना के रखना, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं संबंध बना के रखने के लिए, हालांकि उसका कितना फायदा होता मुझे नहीं मालूम, कुछ को होता है कुछ को नहीं होता है, बट सच्चाई ये है कि संबंध बनाने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं, कुछ लोग बाइक भी देते हैं। एनीवे, बट दीज आर फाइव सच अ साइकोलॉजिकल फंक्शन विच इंक्रीजेस द टेंशन एंड इट फंक्शंस अपोजिट ऑफ द बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल नीड्स आर इनबिल्ट इन आवर बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन वी अटेंड अ सर्टन लेवल इन अ साइकोलॉजिकल फंक्शन। नाउ व्हाट हैपन्स इन आवर ब्रेन, नाउ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो इससे आपको आइडिया आएगा कितना क्लियर है। शायद रीडेबल नहीं है बट ये पिक्चर ब्रेन का वो पार्ट आपको दिखाता है जिसमें अंदरूनी पार्ट जो है थैलेमस, अमिग्डाला और ऊपरी पार्ट जो है वो पेरिफेरियल कॉर्टेक्स, तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है हमारे ब्रेन का। एक अंदरूनी जो डॉट दिख रहा है आपको That is a thalamus, because I am going to refer thalamus again and again. Amygdala and peripheral cortex. मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। This part is a peripheral cortex. This is thalamus and there is one teeny पार्ट ईयर इज कॉल्ड एज अमिग्डाला। नाउ इसी को मैं इस दूसरे पिक्चर में जो रेखांकन है इसका उसमें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये ज्यादा क्लियर है। ये जो पार्ट है ये पेरिफेरियल कॉर्टेक्स है, ये है अमिग्डाला और ये है हाइपोथैलेमस। ये अमिग्डाला या हाइपोथैलेमस।